साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमने एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और ग्राफिकल मेथड पढ़ा। इससे भी एक आसान तरीका है जिससे हम बहुत ही आसानी से और बहुत ही शॉर्ट में साइमल्टेनियस इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। इस वीडियो में इसी मेथड को हम लोग लर्न करेंगे। ज्ञान विजर्ड में आप सभी लोगों का वेलकम है। मैं हूं अजमल। इस वीडियो में हम लोग डिटर्मिनेंट और क्रैमर रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर एलिमेंट्स को दो वर्टिकल लाइंस के बीच में जो है प्लेस किया जाए तो इसे हम लोग डिटर्मिनेंट कहते हैं। यहाँ पर ए बी सी डी एलिमेंट है जिसको दो वर्टिकल लाइंस के बीच में अरेंज किया गया है। ए बी सी डी रोज हैं, ए सी बी डी कॉलम है। इस डिटर्मिनेंट की डिग्री 2 है क्योंकि हर रोज और हर कॉलम में दो एलिमेंट्स हैं। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो होगी डी इज इक्वल टू दी ए डी माइनस बी सी, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बी सी, एंड ए डी माइनस बी सी इज कॉल्ड दी वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। इसी डिटर्मिनेंट की हेल्प से साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और उस मेथड को डिटर्मिनेंट मेथड या क्रैमर्स रूल कहते हैं। क्रैमर्स रूल से साइमल्टेनियस इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए 3 स्टेप्स फॉलो करते हैं। स्टेप नंबर 1, राइट द गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन मीन्स 2 इक्वेशंस, लेट ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इज इक्वल टू सी वन एंड ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इज इक्वल टू सी टू द साइमल्टेनियस इक्वेशंस विच वी हैव टू सॉल्व, दैट मीन्स फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। स्टेप नंबर 2, फाइंड द डिटर्मिनेंट डी डी एक्स एंड डी वाई। फॉर डिटर्मिनेंट डी राइट द वैल्यू ऑफ कोफिशियंट ऑफ एक्स एंड कोफिशियंट ऑफ वाई, दैट इज ए वन ए टू एंड बी वन बी टू। डी एक्स रिप्लेस द कोफिशियंट ऑफ एक्स ए वन ए टू बाई सी वन सी टू। डी वाई रिप्लेस द कोफिशियंट ऑफ वाई इज बी वन बी टू बाई सी वन सी टू। तो डी वाई इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए वन ए टू सी वन सी टू। स्टेप नंबर 3, एक्स इज इक्वल टू डी एक्स अपान डी एंड वाई इज इक्वल टू डी वाई अपान डी। सिंप्लीफाई दिस टू एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। आइए अब एक जो है क्वेश्चन क्रैमर रूल्स को यूज करके सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस बाय क्रैमर रूल। इक्वेशन है 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10 एंड 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। तो फर्स्ट स्टेप होता है कि दिए हुए इक्वेशंस को ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी के फॉर्म में लिखना है। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप ऑलरेडी कंप्लीट है। ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी के फॉर्म में दोनों इक्वेशन दिए हुए हैं, इसलिए हमें यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में कुछ नहीं करना। सेकंड स्टेप है, हमें डिटर्मिनेंट डी डी एक्स और डी वाई की वैल्यू निकालनी है। डिटर्मिनेंट डी इज इक्वल टू दी कोफिशियंट ऑफ एक्स, दैट इज दी 3 एंड 4, कोफिशियंट ऑफ वाई माइनस 4 3। इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 3 इंटू 3 माइनस माइनस 4 इंटू 4 इंटू 4 दिस इज इक्वल टू 9 प्लस माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 4 इंटू 4 इज 16 एंड दिस इज इक्वल टू 25। डी एक्स रिप्लेस द वैल्यू ऑफ कोफिशियंट ऑफ एक्स बाई सी वन सी टू, दैट इज 10 5, और बी वन बी टू को वैसे ही कॉपी कर लेंगे। फिर यहाँ पर 10 इंटू 3 माइनस माइनस 4
इंटू फाइव, दिस इज इक्वल टू 30 माइनस इंटू माइनस प्लस 5 इंटू 4 इज 20, दिस इज इक्वल टू 50. डी वाई एक्स के कोएफिशिएंट को ऐसे ही कॉपी कर लेंगे 3 4 वाई, तो वाई के कोएफिशिएंट को C1 C2 से रिप्लेस करेंगे. वाई का कोएफिशिएंट यहां -4 3 है, इसको रिप्लेस कर देंगे 10 5 से, इज इक्वल टू 3 × 5 माइनस 4 × 10 × 4, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, इज इक्वल टू 15 माइनस 40 इज इक्वल टू -25. दो स्टेप पूरे हो गए. थर्ड स्टेप में हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है. x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी, वैल्यू ऑफ डी एक्स इज 50 एंड डी इज 25. 50 अपॉन 25 इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी, डी वाई इज -25, डी इज 25 इज इक्वल टू -1. इसकी आंसर लाइन लिखेंगे x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -1 इज द सॉल्यूशन. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट में एक्स वाई इज इक्वल टू दूसरे ब्रैकेट में 2 - 1 इज द सॉल्यूशन. तो जिस फॉर्म में आप चाहें लिख लें, दोनों फॉर्म सही. आइए एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, 4x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 6x इज इक्वल टू 8 माइनस 5y. तो फर्स्ट स्टेप होता है कि दिए हुए साइमल्टेनियस इक्वेशंस को ax प्लस by इज इक्वल टू c के फॉर्म में लिखना चाहिए. लेकिन यहाँ पर देखिए, दोनों इक्वेशन ax प्लस by प्लस इज इक्वल टू c के फॉर्म में नहीं है. तो पहले हमें ax प्लस by इक्वल टू c के फॉर्म में लिखना पड़ेगा. फर्स्ट इक्वेशन 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1. 6x माइनस 5y को ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो माइनस का बनेगा प्लस, प्लस 5y इज इक्वल टू 8. अब दोनों इक्वेशंस ax प्लस by इज इक्वल टू c के फॉर्म में हमें मिल गए. सेकंड स्टेप है डिटर्मिनेंट d, dx और dy की वैल्यू फाइंड आउट करना. डिटर्मिनेंट d इज इक्वल टू कोफिशेंट ऑफ x एंड y, 4 6 3 5 इज इक्वल टू 4 × 5 माइनस 3 × 6, दिस इज इक्वल टू 20 माइनस 18, दिस इज इक्वल टू 2. डी एक्स इन द डिटर्मिनेंट डी रिप्लेस द कोफिशियंट ऑफ एक्स बाई C1 C2, 4 8 3 5, एंड इट्स वैल्यू विल बी 4 × 5 माइनस 3 × 8, 20 - 24 इज इक्वल टू -4. नाउ डी वाई इन दिस डिटर्मिनेंट
रिप्लेस द वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ वाई बाय सी वन सी टू 4635 को रिप्लेस करेंगे 48 एंड इट्स वैल्यू विल बी 4 × 8 माइनस 4 × 6 32 − 24 8 थर्ड स्टेप फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y बाय यूजिंग द x इज इक्वल टू dx अपॉन d dx dx इज द माइनस 4 एंड d इज 2 this इज इक्वल टू माइनस 2 एंड y इज इक्वल टू dy अपॉन d वैल्यू ऑफ dy इज 8 d इज 2 this इज इक्वल टू 4 therefore xy इज इक्वल टू ये एक ऑर्डर पेयर है ऑर्डर पेयर का मतलब यहाँ पर पहले x की वैल्यू आएगी फिर कॉमा फिर y की वैल्यू आएगी माइनस 2, 4 इज द सॉल्यूशन इस प्रैक्टिस सेट के बाकी क्वेश्चंस आप खुद ट्राई कीजिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे भेजिए उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा इसे आप लाइक कीजिए फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।